अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अगर आप एक वर्ड डॉक्यूमेंट लिख रहे हैं, एक आर्टिकल या थीसिस लिख रहे हैं तो आपने उसमें रेफरेंसेस इंसर्ट करने हैं, उनकी साइटेशन देनी है फ्रॉम एंड नॉट, तो आप उसको कैसे कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, ये मेरे पास एक वर्ड डॉक्यूमेंट है, इसमें मैंने ये एक आर्टिकल से डेटा लिया। अब मैं चाहती हूँ कि मैं इसका रेफरेंस दे दूँ। रेफरेंस देने के मैंने आपको बताया था दो तरीके होते हैं, एक मैनुअली होता है, आप डायरेक्ट गूगल स्कॉलर से जाकर उसको कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। सेकंड वन होता है किसी सॉफ्टवेयर के थ्रू, और उसके लिए बेस्ट सॉफ्टवेयर एंड नोट है। उसको इंस्टॉल करना, यूज़ करने का तरीका मैं पिछली वीडियोज़ में बता चुकी हूँ। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर दें, और काइंडली जो इसकी रिलेटेड पिछली वीडियोज़ हैं उसको जाके देखें। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि हमने एक वर्ड डॉक्यूमेंट में एंड नोट से रेफरेंसेस कैसे इंसर्ट करने हैं। फॉर एग्जांपल, मैं यहाँ पे एट द एंड यहाँ पे रेफरेंस ऐड करना चाहती हूँ, इसकी साइटेशन देना चाहती हूँ, तो मैं क्या करूँगी, मैं एंड नोट पे जाऊँगी। एंड नोट को ओपन किया और ये बेस्ट रेफरेंस सॉफ्टवेयर मैनेजर है, इसे आप इजीली रेफरेंसेस ऐड कर सकते हैं। जो भी आपने जिस आर्टिकल का भी रेफरेंस देना है, आपने उस आर्टिकल को सिलेक्ट करना है। फॉर एग्जांपल, मैं चाह रही हूँ कि मैं इस आर्टिकल से मैंने एक्सपोज डाटा लिया है और मैं इसका रेफरेंस यहाँ पे पुट करना चाहती हूँ, तो मैं क्या करूँगी, इसको क्लिक करके, दो तरीके होते हैं, या तो ये वाला जो साइट पर आपको ये डबल कॉमास नज़र आ रहे हैं, या यहाँ से आप इंसर्ट कर सकते हैं। सबसे पहले आपने आर्टिकल को सिलेक्ट करना है, देन यहाँ से आप इसको इंसर्ट कर देंगे, टू कॉमास पे क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिक ये रेफरेंस यहाँ पे ऐड हो गया, नंबर वन इसकी नंबरिंग हो गई, और नीचे भी ये विद इन द टेक्स्ट आपका रेफरेंस भी ऐड हो गया, और एट द एंड ऑफ डॉक्यूमेंट यहाँ पे भी आपका रेफरेंस ऐड हो गया। अगर आप वहाँ से इंसर्ट नहीं करना चाह रहे तो आप दूसरा तरीका क्या होता है कि आप एंड नोट पर जाएँ, कोई सा भी आर्टिकल, सपोज ये आपने सिलेक्ट करना है, ये वाला आर्टिकल, तो आप इसको सिलेक्ट करें, आपने वर्ड डॉक्यूमेंट पर जाएँ, यहाँ पे आपको टूल बार में ये एड नोट एक्स नाइन नज़र आ रहा होगा। इस एड नोट एक्स नाइन को क्लिक करने के बाद आपने इंसर्ट साइटेशन पे जाना है, उसके बाद आप सिलेक्ट कर दें इंसर्ट सिलेक्टेड साइटेशन, जो आपने सिलेक्ट की हुई है, मार्क की हुई है, वहाँ पे आपने उसको इंसर्ट कर देना है, तो ये रेफरेंस नंबर टू आ जाएगा। ऑटोमेटिक इनकी नंबरिंग होती जाएगी, यही एंड नोट का फ़ायदा है, आपको सिलेक्ट नहीं करने पड़ते। तो इस तरह आप अपने वर्ड डॉक्यूमेंट में रेफरेंसेस ऐड कर सकते हैं।